हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डी मोरगन्स थ्योरम, है ना, स्टेटमेंट देखेंगे और फिर दो न्यूमेरिकल्स उससे रिलेटेड बहुत ही इजी और एक कॉम्प्लेक्स देखने वाले हैं, है ना। तो पहले डी मोरगन्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है पोलर फॉर्म में, कुछ इस तरीके से कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और उसके ऊपर पावर है, और उसके ऊपर पावर है मान लीजिए एन। यहाँ पर एन क्या हो सकता है, एन कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, है ना। मान लीजिए एन 5 हो सकता है या -5 हो सकता है, 7 हो सकता है, -7 हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। अगर इस तरीके से है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा cos n थीटा प्लस i sin n थीटा होगा। बहुत ही सिंपल सा एक डी मोरगन्स थ्योरम है। और अगर मान लीजिए n फ्रैक्शन है, अगर मान लीजिए n क्या है, एक फ्रैक्शन है, तब ये जो फ्रैक्शन है इसी का एक वैल्यू होगा, है ना। यानी कि जब हम लोग एग्जांपल करेंगे तब आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले एग्जांपल देखते हैं, डी मोरगन्स थ्योरम को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ जो स्टेटमेंट है। अब एग्जांपल को देखते हैं, बिना एग्जांपल के आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएंगे, राइट। तो पहला एग्जांपल है कॉस 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3, और इसके ऊपर पावर कितना है, पावर है 1/4, ठीक है ना। अब देखते हैं ये किसके फॉर्म में है, cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में है, है ना, और इसके ऊपर पावर कितना है, 1/4 है। तब मैंने क्या बोला था, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा होगा, राइट। तो देखते हैं क्या होगा, cos है ना n थीटा, n मतलब यहाँ पर क्या है 1/4, और थीटा मतलब क्या है 2π/3, है ना, बहुत ईजी है। i sin मतलब जो n है वो कितना है 1/4, थीटा मतलब क्या है 2π/3, आप लोग ऊपर स्टेटमेंट देख सकते हो, राइट। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, यह होगा cos π/6 होगा, क्योंकि 2 × 2 = 4 होगा, तो π/6 हो जाएंगे प्लस i sin π/6। π/6 मतलब क्या है, cos कितना होगा, π मतलब 180 / 6, 180 / 6 30 होगा, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, प्लस i sin, sin π/6 का वैल्यू मतलब sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, है ना। और ये इसका आंसर है। अगर आप लोगों से पूछा गया कि सॉल्व दिस वन, है ना, सॉल्व द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib, तो ये होगा a का वैल्यू और ये होगा b का वैल्यू, राइट। ये तो बहुत ही इजी था, इसलिए मैंने कहा कि पहले इजी वाले को देखेंगे फिर कॉम्प्लेक्स वाले को भी देखते हैं, राइट। तो ये खत्म हो गया, आप लोग लिख लीजिए, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी दूसरे वाले को देखते हैं। अब हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, ये है कि z इक्वल टू 3 − 4i^4। यहाँ पे देखिए ये पोलर फॉर्म में नहीं है, पहले हम लोग को ये पोलर फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे हम लोग, देखिए पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ इस तरीके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, है ना। तो ये यहाँ पर r क्या है, r का वैल्यू होता है x² + y², यानी कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या है 3 है, प्लस जो y का वैल्यू है वो है -4² अगर इसे सॉल्व करेंगे 3 × 9 = 16 = 25 = कितना होगा 5 होगा। आई होप हम लोग यहाँ तक समझ गए। थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ पर होता है tan थीटा इज इक्वल टू जो y बाय x होता है, y मतलब यहाँ पर -4 है, x मतलब यहाँ पर क्या है 3 है, राइट। यहाँ पर देखिए थीटा इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आप लोग निकाल भी सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ tan inverse 4/3। आप लोग ऐसे भी छोड़ सकते हो, या आप लोग के पास अगर कैलकुलेटर है tan inverse 4/3 का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, है ना। मैं बस आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अब हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू आर मतलब यहाँ पर हम लोगों को क्या मिला 5 cos, है ना, थीटा प्लस आई साइन थीटा। और हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए z^4 चाहिए। अगर मैं z^4 कर दूँ तो यहाँ पर 5^4 हो जाएंगे। इसे देखिए आप लोग यूलर्स थ्योरम तो जानते होंगे, यूलर्स थ्योरम हमें क्या कहता है, यूलर्स थ्योरम हमें कहता है e^i θ इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। आप लोग ऐसा भी छोड़ सकते हो, या आप लोग यूलर्स थ्योरम लगा के इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं e^i θ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, राइट। तो z^4 इज इक्वल टू 5^4, यानी कि 5 को 4 बार करेंगे तो क्या होगा 625, राइट। और e^4i θ मतलब क्या था, 10 inverse 4/3, और ये आप लोग का फाइनल आंसर है, है ना। कुछ भी डाउट हो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।